हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेट वर्क अगेन। सो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं LPM के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको स्पॉटिंग के अंदर आपको रखे जाते हैं, तो उसको अंदर आपको पता होना चाहिए। उसके बारे में आपको तीन चार लाइनें लिखनी होती है। तो हम बेसिक देखेंगे इंपॉर्टेंट क्या क्या स्पॉट्स हमारे जो है वेटनरी फील्ड के अंदर इंपॉर्टेंट है जो कि रखे जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये आपको फर्स्ट इमेज देख रहे हो, इसके अंदर आपको दिख रहा है केज जो कि लैब एनिमल और पोल्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है। तो ये आपको जस्ट रख दिया जाएगा, आपको इसके बारे में इसको आइडेंटिफाई करना है इसको, और इसके बारे में दो चार लाइनें लिखनी है। नेक्स्ट आप देख सकते हो ये ड्रिंक वाटर्स गैग, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अलग अलग गैग्स होते हैं। गैग्स का मेन फंक्शन ये होता है कि जैसे कोई मेडिसिन देनी होती है या फिर कुछ रिस्टेंड करना होता है, माउथ से कुछ एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है, तो ये गैग्स यूज़ किए जाते हैं। तो अलग अलग गैग्स होते हैं, जैसे ये आपको एक बीच में दिख रहा है बुल होल्डर। बुल होल्डर जो है ये जो बुल को रिस्टेन करता है ना, उसके अंदर यूज़ किया जाता है। ये देखिए अलग अलग गैग्स दिख रहे हैं, जैसे हॉसमांस गैग होता है, एक वार्नल्स गैग्स होता है। कुछ एक गैग्स की फोटोज़ भी हैं और कुछ एक इस डायग्राम में भी आपको अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो। इसको पहचानना है आपको, आइडेंटिफाई करना है कौन सा गैग है। जैसे एक ड्रिंक वाटर गैग हो गया, ठीक है, स्प्रिंग गैग फॉर डॉग, वुडन गैग जो कि प्रोबैंग गैग भी बोलते हैं, बटलर्स गैग भी होता है, एक शीप गैग भी होता है, एक पिग गैग भी होता है। तो अलग अलग गैग्स हैं जो आपको जस्ट आपको देखना है और इन्हें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, और इसके बारे में दो चार लाइनें लिखनी है। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये होता है हॉबलर। हॉबलर्स क्या होते हैं, ये जो हॉर्स होता है उसको रिस्ट्रेनिंग में काम आते हैं, ठीक है। जस्ट आप देखिए वार्नर्स गैग हो गया, ये अभी अपन डायग्राम में देखा ना, ये वही है उसका इस पर रखा हुआ है, ठीक है, स्पॉट, ठीक है, वार्नर्स गैग हो गया। ये देखिए ये क्या है, ये बुल लैडर या फिर बुल पोल है, ठीक है, ये भी जो है रिस्ट्रेनिंग के अंदर ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ये बुल होल्डर की फिर डायग्राम आ गया। फिर अपन देखें ये स्टिरअप या आयरन, ये आपने घोड़े की नाल देखी ना, ये वही सॉरी नाल क्या, ये घोड़े का जो आपने वो देखा ना रकाब, वो इसकी बात कर रहा है, ठीक है, स्टिरअप या फिर आयरन जिसे बोलते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करें करीकॉम। करीकॉम जो होता है ये देखिए ऐसा दिखता है करीकॉम। इससे क्या होता है कि जो हॉर्स होता है उसके ऊपर जो ब्रशिंग होती है या फिर ग्रूमिंग होती है वो इससे होती है, ठीक है, इससे जो डेब्रीज वगैरह होती है वो रिमूव होती है स्किन के ऊपर। नेक्स्ट अपन बात करें पिक कैचर। तो पिक कैचर जो है ये स्नाउट के अंदर फंस जाता है, ये आगे वाला इसका लूप, तो इससे जो है अपन पिक्स को रिस्ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो लीनियर फीडर ट्रफ, ये जो होता है जो ट्रफ्स होते हैं इसके अंदर फीडिंग कराई जाती है। ये लीनियरली देखिए इसके अंदर आपको जस्ट देखना है, पहचाना है, उसके बारे में दो दो लाइनें लिखनी है, नथिंग मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि थोड़ा सा आपका देख रखा होगा तो आप अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है इसके अंदर ये वही वापस रिपीट हो गया। ये देखिए बटलर्स गैग, बटलर्स गैग देख ले कैसे लगता है। नेक्स्ट अपन बात करें ये हाउसमांस गैग, ठीक है, हाउसमांस गैग ये देख लो ऐसा होता है। नेक्स्ट अपन बात करें एंटी सकलिंग डिवाइस। तो ये डिवाइसेस होते हैं एंटी सकलिंग डिवाइस, देखिए ऐसा दिखता है। ये जो है जो काफ न्यूबॉर्न होता है उसको सकलिंग से प्रिवेंट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, माउथ के अंदर फिट किया जाता है इसे, ठीक है। और फिर है बटलर्स गैग। फिर ये नेक क्रेडल, नेक क्रेडल जो होता है वो हॉर्स के अंदर यूज़ किया जाता है। जैसे आपने देखा ही होगा कि जो वुंड्स वगैरह होते हैं तो क्या होती है, एनिमल्स की टेंडेंसी होती है कि उसे लिक करे या फिर उससे जो है कंटेमिनेशन बढ़ता है, तो इसलिए क्या करते हैं नेक क्रेडल्स यूज़ किए जाते हैं ताकि वो अपना मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्ट हो सके उसके अंदर। फिर अपन ये अलग अलग देखते हैं, जैसे मौत, ये देखो एकदम आपको रख दिया जाएगा मौत सारे, तो आपको बस पहचानना है इसको ये क्या है, तो ये मौत है। फिसेलस एकोनिटी फॉलिया। फिर नेक्स्ट बात करें तिल, ये देखो जो आपने सीसम केक बड़ा है ना, ये देखिए ऐसा दिखता है सीसम केक। फिर एक जैसे आपको दिख रहा है थार पार्कर बुल, ठीक है, अभी एंड में अपन इसको अच्छे से लेंगे और सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर अपन बात करें रेड सिंधी की, ऐसी है, ये जो है मुर्रा बफेलो और जेट बैक कलर दिख रहा है आपको। फिर अपन बात करें ये कुछ सीड्स की, तो ये क्या है, काउपी है, विग्निया अंगुलेटा लोबिया, ठीक है। फिर ये अलग अलग मिल्च पर्पस ब्रीड जो होती है साहिवाल, जैसे काऊ हो गई, ये साहिवाल का बुल हो गया, तो ये आप इसके अंदर स्पॉटिंग में रख सकते हैं। कॉटन सीड केक देख लो, ये ऐसा दिखता है, इसके अंदर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। ये सोयाबीन, ठीक है, इनके आपको साइंटिफिक नेम सबके याद होने चाहिए, इनके बारे में एक एक दो दो पॉइंट्स याद होने चाहिए आपको, बस देख स्पॉट्स क्या क्या रख सकते हैं वो हम आपको इसके वीडियो में बता रहे हैं, ठीक है। ये आपकी गिर कैटल हो गई, ठीक है। फिर ये राठी कैटल,
जो कि एक डुअल पर्पस ब्रीड है। नेक्स्ट अपन बात करें ग्राउंडनट, ये जो ग्राउंडनट होता है ना, ये आप इसके अंदर देख सकते हो, ये आपको रख देंगे, आपको बस इसके बारे में इसका साइंटिफिक नेम और दो चार लाइनें लिखनी है, ठीक है। गिर कैटल। फिर नेक्स्ट बात करें, ये साहिवाल, सॉरी रेड सिंधी है ये। नेक्स्ट अपन बात करें कॉटन सीड के वापस देख लो इसका, ये अलग अलग है, ये राठी कैटल है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये गार स्ट्रॉ जो होती है ना, ये है इसका, ठीक है। ये ग्राम चूरी, ठीक है, ये ग्राम चूरी ऐसी दिखती है, ठीक है। आपको बस देखना है और इसे पहचानना है, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है ये क्या है। फिर एक कांकरेज क्या हो या क्या बुल भी रख सकते हैं, ठीक है, डायग्राम में आपको इसके बारे में लिखना है, ठीक है। ये अलग अलग होते हैं, थार पारकर ये ऐसा होता है, मुर्रा आपको मैंने बता दिया जेट ब्लैक कलर, इससे आप पहचान सकते हो आराम से। और ये देखो मोलासस देखो ऐसा दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट है काउपी आपने बता ही दिया था ऊपर भी। ये मौत, ये क्या है, कॉटन सीड केक, ये आप पहचान सकते हो, ठीक है। तिल सीड केक, ठीक है, तिल के सीड्स होते हैं ना, उसका केक है ये, आपको मैंने बताया था अभी। वीट स्ट्रॉ। नेक्स्ट है ग्राम चूरी, ये आपको दिख रहा है यूरिया, ये जो यूरिया के क्रिस्टल्स हैं। ये गौर स्ट्रॉ, ये आपको ब्रीड रख देंगे डॉग की, आपको पहचानी है, तो जैसे लैब्राडोर रेट्रीवर है तो ये आप ऐसे पहचानना है, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट आपके देख रखा है, ये इंस्ट्रूमेंट है हॉग मीटर या फिर एल्बुमिन कंटेंट हॉग इंडेक्स। फिर ये जो है इंस्ट्रूमेंट, ये है लैंसेट वैक्सीनेशन, ये जो होती है ये लेग बैंड्स होते हैं, ठीक है, ये बर्ड्स में यूज किए जाते हैं। फिर ये जो है आपको डॉग पहचानना है, जैसे जर्मन शेफर्ड डॉग हो गया, ये कौन सा डॉग है, तो ये लासा अप्सो हो गया, ठीक है। ये विंग बैंड हो गया, ये कौन सी ब्रीड हो गई, डैशन डॉग हो गया। ये एक्सेल थिकनेस और थिकनेस मीटर होता है, ठीक है, पोल्ट्री में आपने ये पढ़ा होगा कि जो थिकनेस नापते हैं वो कौन सा, ये जो यूज़ किया जाता है थिकनेस मीटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। बीगल डॉग हो गया, ये आपको कैमल की भी ब्रीड जो है पता होनी चाहिए, जैसे बीकानेरी कैमल मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ एक थे जो इम्पोर्टेंट आपको स्पोर्ट्स के लिए रखे जा सकते हैं, तो आप इसको देखें अच्छे से इस वीडियो को, और इससे एक एक जो ऑब्जर्व करें क्या है, और इसके बारे में आप खुद अपने लेवल पे इसको सर्च करें, और 2-3 पॉइंट्स इसके हर एक स्पोर्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।